हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। शायद यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दें, फ्रांस एक ऐसा देश है जहां दफ्तरों में छुट्टियों की चिंता खुद एम्प्लॉयड से ज्यादा सरकार को होती है। जी हां, यहां एम्प्लॉयड की छुट्टी को लेकर अजब कानून है। ये तब पूरी दुनिया को पता चला जब हाल ही में एक बेकर पर $3,600 यानी करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने के पीछे की वजह थी उसका छुट्टी न लेना। फ्रांस में छुट्टी न लेने वाले पर जुर्माना लगता है। 41 वर्षीय सेड्रिक वाइवरे पर आरोप था कि उसने पिछले साल की गर्मी से अब तक कोई भी छुट्टी नहीं ली थी। यह वहां के लेबर लॉ के खिलाफ है। सप्ताह में एक दिन की भी छुट्टी लिए बिना 7 दिन बेकरी को खुला रखना कानून के विरुद्ध है। इस शख्स ने टूरिस्ट की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरे सप्ताह अपनी बेकरी को खोल कर रखा था, जबकि फ्रांस के लोकल लेबर लॉ की माने तो छोटे बिजनेसमैन सप्ताह में सिर्फ 6 दिनों तक ही काम कर सकते हैं। लेकिन सेड्रिक और उसके कर्मचारियों ने न सिर्फ 7 दिन काम किया बल्कि देर रात तक भी कार्य किया। कुछ लोग बेकरी वाले का फेवर कर रहे हैं और इस नियम के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का मानना है कि इस नियम से बिजनेस को नुकसान होता है।